दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। यो आओ नीचे गिर जाओगे। हाँ व्हाट्सअप यारो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YJ ब्लॉग्स। मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी हम हैं पाइंस में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं रोड पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है। अभी भी हर तरफ यहाँ भी बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तो आज हमको कुछ भीमताल में काम था, तो हम हल्द्वानी से भीमताल होते हुए, भवाली होते हुए नैनीताल आए हैं। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे एक दो दिन पहले क्या हो रहा था कि जो भी नैनीताल आ रहे थे तो पुलिस वाले उनको आने नहीं दे रहे थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नैनीताल अब आप लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अभी नैनीताल जाने के बाद क्या गाइडलाइंस वगैरह जो भी है वो हम आपको बताते हैं। और ये देखो कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, वो यहाँ वो बर्फ, अरे वो देखो वहाँ कितनी बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वाह वाह वाह, ठोस होगी होगी है। अरे तू तो बिल्ली की तरह नाखून मार रही है। मैं बड़ी बिल्ली हूँ। अभी इससे पहले जो हमने ब्लॉग डाला उसमें हमने लाइव बर्फ दिखाई थी और हमने टेंट भी लगाया था बर्फ के पास, बहुत मजा आया था। बट अब देखो सूख चुकी बर्फ, तो हम आपको ले चलते हैं नैनीताल, क्या है वहाँ का सीन शॉट। चलें फिर दिमो, चलो चलते हैं फिर। जो लोग अभी भी आएंगे तो शायद उन्हें बर्फ मिल सकती है आराम से ना, तो आप लोग अभी भी आ सकते हैं। पर अभी जो जाने वाने का जो भी है सिस्टम वो आपको मैं अभी वहाँ पर पहुँच के बताऊंगी नैनीताल में। लेकिन बर्फ का है, बर्फ अभी मिल जाएगी आप लोगों को अच्छी सी, क्योंकि जब ये स्नोडो में इतनी सारी बर्फ पड़ी है तो जो बर्फ किलवरी वलवरी में ना स्नो व्यू में तो अच्छी खासी बर्फ पड़ी होगी। तो मतलब जो लोग स्नो देखना चाहते हैं, लेकिन पड़ते हुए तो नहीं, लेकिन आपको वैसे बहुत सारी स्नो मिल जाएगी। देख रहे हो कितनी सारी स्नो है। तो मेरा पिछला ब्लॉग आप देख सकते हैं नैनीताल का, तो उस दिन तो ऐसा हो रहा था कि पूरी रोड सफेद हो रही थी और ऊपर से बर्फ गिरने में लगी थी ना। तो हमारा लाइव स्नोफॉल का भी बर्फ वाला ब्लॉग है, आप जरूर देखिएगा उसको भी, बहुत मस्त है वो भी। ओह मजा ही आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल सरोवर नगरी। इस बार तो यहाँ बहुत पड़ी, वो तो हटा दी गई है। बहुत खतरनाक बर्फ पड़ी है, ये देखो बर्फ का एक पहाड़। अभी भी बर्फ के अवशेष पड़े हुए हैं, मृत अवशेष पड़े हैं बर्फ के ना। कितने सालों बाद यहाँ पे बर्फ पड़ी है, बर्फ पड़ी है यहाँ, मतलब माल रोड पे, वरना हमेशा ऊपर ही ऊपर पड़ती थी, और यहाँ पड़ती थी तो अगले दिन ही गायब हो जाती थी। बट आज देखो तीसरा दिन है, हटाने के बाद भी देखो कितनी बची हुई है बर्फ। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ आपको, ऐसा लग रहा है बर्फ फ्रिज के अंदर डाल दिया हमको। ये पता कैमरा पकड़ने में ना मेरे हाथों के ऐसा लग रहा है कुल्फी बन गई है। खा ले अब, तुम्हें खिला देती हूँ। ये देखो, तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ तो कर ही दो। हाँ यार सही बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी बस हमने सोचा ही था किलबरी की साइड जाने को, तो आपको देख रहा होगा इतना बर्फ दिख गई है यहीं से। मैंने आज तो हर जगह किलबरी हो रखा है। तो मतलब आपको नैनीताल अगर आप आए तो आपको ऐसे ओने कोनों में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको मार्केट के आसपास ही बर्फ मिल जाएगी इतनी सारी। वाह देखो सारी बर्फ ना एक जगह पे इकट्ठा कर दी है, बहुत सारी। हाँ जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और पॉलिटेक्निक है उसपे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं बाइक से, काफी मजा आ रहा है, चारों तरफ बस स्नो ही स्नो है और मैं भी स्नो बन के आई हूँ आज, व्हाइट व्हाइट गाड़ियों के ऊपर बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। ये देखो बर्फ, देखो गाड़िया बर्फ से, यहाँ को तो बहुत ज्यादा बर्फ है। देखो 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 सारे घर बर्फ से भरे हुए हैं। तो ये देखो तिमो आगे आगे जा रही है और मैं इसके पीछे, तो भी मेरा जी बच जाए। जो बर्फ है इसके बीच में थोड़ा थोड़ा देखो ये रास्ता है यहाँ पे, तो लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ भी रास्ता नहीं है। ये देखो ये कितनी बर्फ की लेयर है, 2 इंच की लेयर होगी ये। तिम्मू के जूते बहुत स्लिप कर रहे हैं। हाँ तो रुक जा फिर, अभी मत जा, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके देख के आता हूँ। जाने के लिए तो मैं भी जा रहा हूँ, पता लग रहा है नीचे को आते हो मैं भी ट्र हो रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है हम लोग को स्नोफॉल में, पर पैर फिसल रहे
डर भी लग रही है, आराम से आइएगा, शूज ढंग के पहन के आइएगा, मीत रनी। तो फ्रेंड्स और दिन जब ना कहीं ऐसे बर्फ में नहीं जाना ना, तो मैं इतने अच्छे शूज पहन के आती हूँ जिसमें ग्रिप होती है, और आज मुझे बर्फ में आना था तो मैं बिल्कुल पुराने शूज निकाल के बिल्कुल, ताकि मैं लुड़कू और मेरा जी हंसे मुझ पे। हाँ देखो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, बर्फ बर्फ बर्फ, जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मैं भी अगर स्नो वुमन बन के आई हूँ, देखिए तो मेरा जी बास्केटबॉल खेले क्या? भाई अगर अगर वॉलीबॉल है, मैं बास्केटबॉल बोल रही हूँ, मेरा दिमाग सटक गया है बर्फ देख के। अगर यहाँ गिरेगा ना कोई आदमी, ये देख रहे हो कितनी ठोस हो रही है, टूट जाएगी खोपड़ी, टूट जाएगी। सब कहाँ कहाँ चढ़े हुए देखो मस्त। हम आज बाइक में आए ना, हम कार में आए होते तो जरूर स्टोव लेके आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम कॉफी। तो मेरा जी जाल का कमाल आज डांस के लिए हो रहा है, ये अडेंचिक दिन। अब देखो मैं इधर देखो, ये मैं इतने नाखूनों से ऐसे कर रही हूँ ना, फिर भी नहीं निकल रही है, बहुत ही ठोस हो गई है, खतरनाक ठोस हो गई है। ये है नाली और यहाँ से बर्फ है, ये देखो वहाँ तक कितने ऊपर है नाली से कम 4 या 5 फीट बर्फ है यहाँ पे ग्राउंड में, और ये ठोस हो गई है बर्फ बिल्कुल। ये देखिए कितनी सारी भीड़ हो गई है यहाँ पे, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिख रही है, और ये घर तो पूरा मुझे लग रहा है कितना परेशान होंगे ना बर्फ पड़ने में। हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, मैं तो नहीं आ सकती यार, मेरा दिल लग गई तो। हाँ तो ठीक है, तू यहीं पर रुकना। हाँ यहाँ अगर कोई गिरा ना उसके तो वाट लगने वाली है, आराम से है ना, रुकियो मत। जो ये घर है ना, इस घर के ऊपर देखो आप जो बर्फ है, ये कम से कम 1 फीट होगी इस घर के ऊपर बर्फ, और ये भी पानी की बूंदें टपक रही हैं, और धीरे धीरे जब धूप पड़ ली है इसमें तो बर्फ पिघल रही है, और मार्केट में ही पूरा ऐसा हो रहा है, पूरे मार्केट में ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। ये जैसे जो टिन है, ये देखो ये आवाज़ आ रही होगी पानी की, ये बर्फ पिघल रही है, पानी गिरने में लगा हुआ है। और ये देखिए ये पानी, ये पूरा बर्फ देख रहा होगा आपको पानी, ये देखो ये पूरे पानी में बर्फ जम चुकी है। भाई साहब क्या ठंडा हो रहा है, आंटी ने बताया कि पानी बार बार गर्म कर रहे हैं तब जाके पीने का पानी उनको मिल पा रहा है, वरना पानी अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे उसमें बर्फ़ जम जा रही है पानी में। तो आप चलते हैं यहाँ से नीचे, देखो मेरा देखो ये देखो कोई भी गिर जा रहा है यहाँ पर ऐसे, आओ नीचे गिर जाओगे, हाँ इतना भी हो जाती तुम्हारी बल्ले बल्ले, भैया की तो बल्ले बल्ले हो गई, मेरी भी हो गई थी, मैं भी गिर गई थी अभी। अजी ज्यादा रिस्क मत लो, पता लग रहा हो गए तुम्हारी हो गई बल्ले बल्ले। ये देखो मेरा जी ने इसे ओली बना दिया है, ये देखो बच्ची स्किट कर रही है, बार बार फिसल जा रही है, बच्चों के लिए बहुत मजे आ रहे हैं ऊपर। बेटा चोट भी लगेगी यहाँ, वही यहाँ पे ना थोड़ी थोड़े देर में कोई ना कोई फिसल ही रहा है, अभी तो मेरा जी फिसल गए थे, मैं भी फिसल गई, एक बच्चा भी फिसल गया, मैं तो जानबूझ के फिसलते हुआ यार। ओह माय गॉड, आज ऐसे ही बोलता हर कोई। और जैसे तू फिसली रूम और बच्चा फिसला, मैं तो खाली पोज दे रही थी, यही मजा आया। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, पूछ पूछ दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। मैं भाई बहुत ही एडवेंचर हो गया, ये तीन बार फिसल चुकी हूँ अभी तक, और इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया ताकि मैं चौथी बार फिसलूं तो गिरूं इनको। नहीं ऊपर का तो हम जाते वक्त तो बहुत आराम से चले गए, लेकिन नीचे वो आते वक्त ना हालत खराब हो रही है, एक गिरा तो दूसरा भी गिरा, वो वाला सीन हो रहा है। तुम अब इसके ऊपर यहाँ 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 फिसल रहा है, मतलब मजा भी आया बहुत ऊपर जाके, लेकिन नीचे को आते ना वाट लग गई है, हम इसे हंस रहे, मतलब कि हमारी हालत सच में बहुत खराब है, लग रहा है कब गिर जाएं। और मेरा जी भी बोल रहे थे मेरे जूते पहली बार नहीं फिसल रहे, जैसे ऐसा बोला फिसल गए। क्या बोलती है आके चले गए ना, मतलब मैं जाते बोल रही थी कि मैं ऊपर तक नहीं जा पाऊंगी, पर यू नो आपको तो पता ही है हम कितने खतरनाक टाइप के लोग हैं। आखिर नाना कहते कहते तिम्मू चली गई, चली गई ये वापस आ गई, ऐसा लग रहा है मैंने क्या फतेह कर लिया है। मेरा जी मैं कहती ना बाइक ऐसे बीच में लगा ले लो, बाइक बीच से, मैंने कहा बीचों बीच में लगा दो बाइक, फिर हम खींचेंगे फोटो। यो कोई आएगा थोड़ी देर रुक जाएगा। स्नोफॉल पीछे आपको दिख रही होगी चारों तरफ, बहुत मस्त मौसम हो रहा है, सब फोटो सेशन कर रहे हैं। यो मेरा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। यो तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए YJ Vlogs, और अभी गिर ना जाए, बहुत आइस हो रही है ऊपर। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा हमारे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और 2-3 बार फिसले भी मेहरा जी।
अपना इसलिए और मेरे नाम लगा रही है। हाँ ऐसे ही बोलना पड़ता है आपको, वीडियो में दिखी गया। वैसे ही अपने सीन काट देंगे पता है मुझे। नहीं नहीं मेरे मेरे रखेंगे। मेरा कोई है ही नहीं फिसलने वाला सीन। हाँ वो तो मैं जानबूझ के फिसला ये था। ना एक बार फिसलने कह दिया कि ना मैंने रील बनाने के लिए ऐसे जानबूझ के फिसलाऊं। पर हम बहुत मजा आया, हम लोगों ने काफी मजे किए। अगर आप लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो अभी एक हफ्ता और मान लीजिए कि आपको बर्फ मिल जाएगी आराम से आराम से। और आपको ऐसा भीड़ भाड़ भी नहीं है ज्यादा, मतलब जाम वाम थोड़ा कम हो चुका है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ Vlogs।